अगर पनीर का पराठा खाने का मन कर रहा हो तो घर में ही बनाइए इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट पनीर का पराठा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मनु खाना खजाना में। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर का पराठा, जो कि बहुत हेल्दी और टेस्टी भी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आटे में 1 चम्मच नमक डाल के पहले इसको गूंद के रख लिए है, जिससे कि ये फूल जाए। और अब हम ले लेते हैं पनीर। हमने आधा किलो पनीर लिया है और इसे ग्रेट कर लिया है। तो आधा पनीर हमने ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा बचा है तो इसे ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से हम आराम से पनीर को ग्रेट कर लेंगे। पनीर बहुत आसानी से ग्रेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम सारी पनीर को ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें मिक्स करते तो सारे मसाले के साथ बचेगा नहीं, तो चलिए हम एक और बड़ा बर्तन ले लेते हैं और उसमें सारी सामग्री मिक्स करके फिलिंग तैयार कर लेते हैं। अब हम इसी पनीर में डाल देते हैं प्याज। एक बड़ी प्याज हमने ली है और उस 3 हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्च को हमने बारीक चॉप कर लिया है, तो हम डाल देते हैं। हमने प्याज को एकदम बारीक चॉप हमने लिया है, थोड़ी सी अदरक और इसे भी कद्दूकस कर लिया है तो इसे भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती जिसे बारीक कट कर लिया है तो इसे भी इसमें डाल देते हैं। साथ में 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। ये धनिया जीरा पाउडर घर का बना हुआ है और भुना हुआ है, तो इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और इसी में हम डाल देंगे 1.5 चम्मच नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हमने बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है क्योंकि इसमें पहले से भी हरी मिर्च है, और ज्यादा तीखा नहीं बनाना। अगर आपको थोड़ा और तीखा खाना है तो आप लाल मिर्च थोड़ा और ज्यादा डाल सकते हो। तो हमने बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हाथ से ही हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके पराठे की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए फिलिंग मिक्स हो गई। तो चलिए अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एक बार आटे को अच्छे से फिर से मसल लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ना ही बहुत ज्यादा टाइट लगा हुआ, एकदम नॉर्मल आटा लगा हुआ, जिससे कि हम पराठा आसानी से बेल सके। तो चलिए अब हम आधा आटा ले लेते हैं और इसकी लोइयां बना लेते हैं। तो आपको जितने बड़े बड़े पराठे बनाने हो उतनी बड़ी ही लोइयां काटिए। हम थोड़े बड़े बड़े पराठे बनाएंगे क्योंकि ये पराठे थोड़े बड़े बड़े देखने में अच्छे लगते हैं। तो हमने इतनी बड़ी बड़ी लोइयां बना ली है। इसी तरह से हम लोइयों को बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने लोइयों को काट लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने ले लिया है लोई और इसको हम पहले ऐसे गोल गोल करके इसमें थोड़ा सा होल बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इसको होल बना लिया और अब हम इसी में पनीर डाल देंगे। तो हमने ले लिया है पनीर और इसे ऐसे ही हम इसमें डाल देते हैं। पनीर हम उतना ही डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर पराठा फट भी सकता है। और ये देखिए हम इसे अच्छे से बंद कर देते हैं और इसको इसी में लोई में दबा देते हैं। और ये देखिए हमारी लोई बनके तैयार है। अब हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो हम सूखा आटा लगा लेंगे और फिर इसको हाथ की मदद से ऐसे बढ़ा लेंगे। हमने लोई को बढ़ा ली है और चलिए अब इसको बेल लेते हैं। तो एकदम हम बहुत ज्यादा दबा के नहीं बेलेंगे, एकदम हल्के हाथ से इसको बेल लेंगे। हमें जितने सूखे आटे की जरूरत पड़ेगी तो हम बीच बीच में लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पनीर का पराठा बेल लिया है। ये न बहुत ही ज्यादा मोटा ही बेला है न बहुत ही ज्यादा पतला। तो चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। तवा को पहले ही गैस पे रख दिया था, वो थोड़ा गर्म हो गया है, तब हम पराठे को तवा में डाल देते हैं। और एक तरफ सेक जाएगा तब हम इसको पलटा के इसमें तेल लगाएंगे। जब तक वो सिक रहा है एक तरफ, तब तक हम दूसरा पराठा बनाते हैं। तो दूसरे पराठे को भी हम इस तरह से बना लेंगे एक होल्ड और इसी में हम डाल देते हैं पनीर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पे डाल दिया पनीर। अब इसको बंद कर देते हैं ऐसे हाथ की मदद से ही आराम से।
और अच्छे से इसको चिपका देंगे। तो ये हमारा लोई बन गया है। अब इसमें सूखा आटा लगा लेते हैं और इसको भी बढ़ा लेते हैं। अभी हम हल्के हाथों से साइड से बेल लेते हैं। तो इस तरह से हम पहले साइड साइड में और बीच में बेल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पराठा भी बनके तैयार है। चलिए तब तक उसको चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसको पलटाते हैं। तो ये देखिए, इस तरफ से ये पराठा थोड़ा थोड़ा सेक गया है। तब हम इसमें तेल लगा देंगे। हम पराठे को रिफाइंड तेल से सेक रहे हैं। आप चाहे तो घी या कोई भी खाने वाला तेल यूज कर सकते हैं पराठे को सेकने के लिए। छन्नी की मदद से तेल लगा रहे हैं। आप चाहे तो ब्रश का भी यूज कर सकते हैं या चम्मच से भी सेक सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक तरफ तेल लगा दिया है और अब हम इसको पलटा देते हैं और इसमें दूसरी तरफ भी तेल लगा देते हैं। अच्छे से चारों तरफ इसमें तेल लगा दिए। दोनों इसको पलटा के अच्छे से सेक लेंगे। हम इसको पलटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरफ जब ऐसे पक जाए तो हम पराठा को दूसरी तरफ भी पलटा के ऐसे ही पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखें, इधर भी ये पराठा पक गया और इधर भी। तो दोनों तरफ ये पराठे पक गए हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरा पराठा सेक लेते हैं। तब हम ये दूसरा पराठा डाल दिया और उसी तरह से हम इसको भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, एक तरफ इस तरह से जितना पक गए हैं तो हम इसमें इसको पलटा दिए हैं और इस तरफ अच्छे से टेप लगा देते हैं। अब हम इसको पलटा के दूसरी तरफ भी तेज लगा देंगे और ये देखिए पराठा फूल भी रहा है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी पराठों को अच्छे से सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, दोनों तरफ से पराठा अच्छे से सिक गया है। तब हम इसको निकाल के रख लेते हैं और इसी तरह हम सारे पराठों को बना लेंगे, बेल लेंगे और सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पनीर के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। एक में इसको आपको खोल के दिखा देती हूं। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे। तो ये पनीर के पराठे बनके तैयार हैं। चलिए हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पनीर के पराठे बनके तैयार हैं। हमने इसको दही टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया। दही मीठी है और टमाटर की चटनी खट्टी। तो आपको जिसके साथ पसंद हो उसके साथ आप ये पराठे खा सकते हैं। और ये देखिए कितने सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। तो इस तरह से आप दही के साथ ये पराठे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार जरूर इस तरह से पनीर के पराठे खाइए और स्वाद लीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और पनीर ऑलरेडी हेल्दी होता है तो ये पराठे भी बहुत हेल्दी होते हैं। तो एक बार जरूर बनाइए और खाइए। और अगर हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।